सुरेंद्र साहब ने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 किया था, और अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इजिकल टू माइनस साइन 2x अपॉन साइन अपॉन कॉस 10x। तो इसको हमें करना है, तो इसमें हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, और जैसे कि हमें दिखाई दे ही रहा है यहाँ पे कि कॉस ए माइनस बी वाला हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। तो यहाँ हम फार्मूले लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे हम वी नो डैट, एक तो कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फार्मूला हमारा आएगा, तो इसको लिख लेते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी इजिकल टू, ये होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। अच्छा, दूसरा साइन ए माइनस साइन बी वाला हमारा फार्मूला लगेगा, तो इसमें ये भी लिख लेते हैं साइन ए माइनस साइन बी इजिकल टू टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू और साइन ए माइनस बी अपॉन टू। तो ये फार्मूले हम दोनों लगाएंगे इसमें, तो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, पहले कॉस ए माइनस बी वाला लगाते हैं, तो माइनस टू साइन ए प्लस बी, यानी के 9x प्लस 5x अपॉन टू साइन 9x माइनस 5x अपॉन टू अपॉन, अब यहाँ साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी यानी कि 17x प्लस 3x अपॉन टू साइन 17x माइनस 3x अपॉन टू। अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन और 5 14 ये हो जाएगा 14x अपॉन टू साइन, ये हो जाएगा 9 में से 5 गए 4 4x अपॉन टू अपॉन टू कॉस 17 और 3 20x अपॉन टू और साइन 17 में से 3 गए ये हो गया 14 14x अपॉन टू। अच्छा, 2 1s are 2 2 7s are 14 2 1s are 2 or 2 2s are 4 2 1s are 2 or 2 10s are 20 2 1s are 2 or 2 7s are 14। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस टू साइन 7x साइन 2x।
अपॉन टू कॉस टेन एक्स साइन 7x। अच्छा, अब ये 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, और साइन 7x और ये साइन 7x ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास बचा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। और यही हमें प्रूव करना था, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और ये हमारी ये आ गई राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होगा, और मैंने आपको इसके सारे स्टेप्स बहुत इजी वे में आपको बताए इसके करके, और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे स्टेप्स को समझ गए होंगे, बड़ी अच्छी तरह से समझे होंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस बस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे करने में। तो मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही करते रहिए, बार बार करिए, बार बार करिए, तब ये आप एकदम से इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दी भी कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब उसे जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उस, अगर आपने सब्सक्राइब की होगी तो। तो मैं आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।